महुआ तालुकाना भामणिया गामे भारत सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव अंतर्गत 23 मार्च ना दिवसे शहीद दिन निमित्ते शहीदों ने श्रद्धांजलि अर्पण करवामां आवी हती। भारत सरकार द्वारा आजादी अमृत महोत्सव अंतर्गत गुजरात एनसीसी ना तमाम सैनिकों ने एनसीसी द्वारा 23 मार्च ना शहीद दिन निमित्ते शहीद थयेला सिपाही शहीद भरत ग्राशिया ने तेमना पैतृक निवास गाम भामणिया में संपूर्ण सम्मान साथे श्रद्धांजलि आपवानो कार्यक्रम योजायो हतो। शहीद सिपाही भरत गराशिया भारतीय सेना में भर्ती थया हता अने सेनानी प्रथम बिहार रेजिमेंट में फरज बजावता 1999 में कारगिल युद्ध दरमियान पोतानी फरज बजावता तेवो युद्धना मैदान में तेमणे शहीदी वोहारी हती। तेमना बलिदान ने बिरदावा माटे एडीजी एनसीसी विवेक डिरेक्टोरेट गुजरात वती 5 गुजरात बटालियन एनसीसी सूरत द्वारा श्रद्धांजलि अर्पण કરવામાં આવી હતી। મારા છોકરા આની વિકટમાં નોકરી કરતા હતા અને લે લદકમાં શહીદ થઈ ગયા હતા કાયદો છે પછી 22 વર્ષ થયા તેવી મારા છોકરાની આર્મી વિકટમાં નોકરીથી શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે અને એના માટે હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। ભામણિયા ગામ જો કે શહીદ ભરતભાઈ કા પૈતૃક ગામ હૈ ઉસમેં આઝાદી કે મહોત્સવ में शहीदों को छत छत प्रणाम के अंतर्गत उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। शहीद भाई भरत भाई एक बड़ी ही महान यूनिट से संबंध रखते थे, फर्स्ट बिहार रेजिमेंट से, और वो उस समय जब शहीद हुए तब वो 1999 के दौरान वो वहाँ पे कारगिल युद्ध क्षेत्र में अपनी ड्यूटी करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे और वीरगति को प्राप्त। और मेरा एक संदेश है आज की पीढ़ी और आज की यूथ को कि हमें अपने शहीदों को और अपने जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस जिस देश ने इतिहास गवाह है, जिसने ये भूला है, उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। हितेश परीख, D9 न्यूज़, महुआ।